सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष हम ITR भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। इस बार दोस्तों 2024-25 के लिए, असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए, अब आप अपना ITR कैसे भरेंगे, इनकम टैक्स अगर आपका ज़्यादा कटा है तो आप रिफंड किस प्रकार लेंगे, और इसी तरह अगर आपका इनकम टैक्स कम कटा है और टैक्स ज़्यादा बन रहा है तो आप चालान द्वारा टैक्स किस प्रकार जमा कराएंगे, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको कि आप अपना असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए ITR किस प्रकार फिल करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और अंत तक जरूर देखें। ITR फिल करने के लिए हम जाएंगे ITR ई फिलिंग के पेज के ऊपर, तो मैंने गूगल में टाइप कर दिया है तो हमारे सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की होम साइट आ जाती है। दोस्तों, आप सभी को ध्यान में रहे कि इस बार हम न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार इनकम टैक्स कैसे भरते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया जा रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास हो तो विभागीय आदेश और प्रोसेस को ही प्राथमिकता दे दें। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और इस पेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने इस तरह का पेज आता है जहां हमें अपनी लॉगिन आईडी डालनी है और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन आईडी के रूप में आप अपने जो पैन नंबर है वो डालेंगे और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है कभी और फर्स्ट बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको ऊपर की ओर नज़र आ जाएगा ये एक डॉट निशान, जिसके ऊपर आप जाके रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इनकम टैक्स की साइट पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट कर लीजिए। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और आपसे यहाँ पे चार तरह की डिटेल मांगी जाएगी, तो वो डिटेल आप स्टेप बाय स्टेप फिल कीजिए। लेट गेट स्टार्ट के ऊपर टैक्स करके टैक्स पेयर और पैन नंबर डाल दीजिए और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके साथ ही आपको वैलिडेट भी करना होगा, OTP आ जाएगी मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी है पैन नंबर के साथ उसके ऊपर आ जाएगा OTP और डाल के सबमिट कीजिए। तो उसके बाद आ जाएगा फिल डिटेल, तो आप अपनी पर्सनल डिटेल है वो फिल कीजिए, उसको वेरीफाई कीजिए, सिक्योर अकाउंट कीजिए तो आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा और उसके बाद आपको उसको पैन नंबर के साथ इस पेज से लॉगिन कर दीजिए। और एक बात कि लॉगिन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे एक चेकबॉक्स आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद पासवर्ड डाल दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। तो साथियों, हम पहुँच चुके हैं इनकम टैक्स की साइट पर। यहाँ हमें जो अपना ITR फिल करना है न्यू टैक्स रिजर्म से अनुसार किस प्रकार करेंगे, नई टैक्स स्लैब जो है उसके अनुसार कैसे करेंगे उसकी जानकारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है फाइल नाउ, दूसरा आता है रिज्यूम फिलिंग। अगर आपने पहले से भर रखा है उसको दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं तो रिज्यूम फिलिंग के ऊपर क्लिक करना होगा। मैंने पहले भर रखा है इसलिए ये रिज्यूम आ रहा है, आपके नहीं आएगा, आपके सीधा आएगा फाइल नाउ। तो फाइल नाउ बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, आपसे ये पूछ लिया जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न का फाइनेंशियल ईयर यानी असेसमेंट ईयर करंट ईयर सेलेक्टेड है, सेलेक्ट मोड ऑनलाइन कीजिए और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे इसको क्लिक करेंगे कंटिन्यू का बटन शो हो जाएगा, कंटिन्यू कीजिए। इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइल है उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ देखिए स्टार्ट न्यू फिलिंग का एक ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तब आपको प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेटस ऑफ एप्लीकेबल, तो आपको एक स्टेटस सेलेक्ट करना है, इंडिविजुअल सेलेक्ट आप भर रहे हैं HUF या अदर, तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। इस तरह से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू का बटन आपका शो हो जाएगा, कंटिन्यू कीजिए। अब आपको यहाँ पूछा जाएगा कि आप ITR कौन सा भरना चाहते हैं। यू नीड टू चूज एन ITR फॉर्म टू प्रोसेस, यानी आपको ITR 1 से लेकर 4 तक यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है यानी सैलरी बेस्ड एम्प्लॉई है तो आपको ITR 1 सेलेक्ट करना है। इसके अलावा ITR 1, 2, 3, 4 ये किन के लिए होते हैं वो भी बता देते हैं। हम जिसको सेलेक्ट करेंगे ITR 1, 2, 3 तो उसके लिए उसकी जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे हमें शो कर देगा। तो हमारे लिए जो क्राइटेरिया है वो ITR 1 के लिए ही है। अब आप 2 सेलेक्ट कीजिए तो 2 का क्राइटेरिया क्या रहेगा वो भी दिखा देगा। अधिकतर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, सैलरी एम्प्लॉय के लिए ITR 1 रहता है। 1 सेलेक्ट कीजिए और प्रोसेस विथ ITR 1 के ऊपर क्लिक कीजिए। ITR 1 को स्टार्ट करने के लिए नीचे की ओर ये 3 स्टेप है, तो आप लेट गेट्स स्टार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। ये तीनों स्टेप आपके कंटिन्यू हो जाएंगे, एक एक करते कंफर्म भी हो जाएगा। लेट गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। तो सबसे पहले आपको प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसेस फर्दर के रूप में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप ITR क्यों भरना चाहते हैं,
तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट, तो ये सेलेक्ट कीजिए और नीचे जो कंटिन्यू बटन आ रहा है कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपके पास इस तरह का मैसेज आ जाएगा, इसको ओके कर लीजिए और अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी लीजिए। साथ ही आपको जो आपका रिकॉर्ड है ASI TSI इसके अनुसार जांच लीजिए, उसके बाद ही आप भरें। इसके साथ साथ ही आपके पास फॉर्म नंबर 16 आपका होना चाहिए और 16 नंबर ये फॉर्म जो DDO जारी करता है उसके अनुसार आप अपना ITR भरें। 26AS फॉर्म भी लागू होता है, तो 26AS भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। कैसे डाउनलोड करते हैं वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो इस तरह का पेज हमारे सामने ओपन होता है जहां पहले हमारी डिटेल पूछी जाती है। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट है तो आप स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कीजिए। फिलिंग सेक्शन के अंतर्गत आप फिल जो कर रहे हैं 1391 के अंतर्गत फिल कर रहे हैं क्योंकि रिटर्न फिल ऑन और बिफोर ड्यू डेट, तो आप यही सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद नीचे की ओर आपके कुछ भी नहीं है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है वो यही बात है कि न्यू टैक्स रिजाइम के अनुसार, न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार जब आप ITR भर रहे हैं तो यहाँ आपको ये जो ऑप्शन आ रहे हैं इसमें नो ही सेलेक्ट करना है। जब आप नो सेलेक्ट करेंगे तो आप न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार भरेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC 6(2) ऑप्शन आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम, न्यू टैक्स रिजाइम से आउट होना चाहते हैं तो हम नहीं होना चाहते, इसलिए नो सेलेक्ट करेंगे और न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार भरेंगे अपना ITR। यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखिए कि ITR की न्यू स्लैब है उसमें किसी भी प्रकार की स्पेशल जो छूट हम कहते हैं वो नहीं है और अधिकतम जो छूट है अभी 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दे होगा। नीचे आपके बैंक की डिटेल आ जाएगी और बैंक की डिटेल ये सारे आप देख लीजिए और कन्फर्म बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इस बैंक के अंतर्गत ही आप अपना रिफंड प्राप्त करेंगे। अगला जो ऑप्शन आता है ग्रॉस टोटल इनकम का आता है, तो आप सैलरी एक्सेम्पशन में कुछ छूट लेना चाहते हैं तो इसके लिए यस बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, अन्यथा ये इसको नो ही रहने दीजिए। जैसे अगर आपको ट्रैवल और टूर ट्रांसफ़र में कोई छूट चाहिए या आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कम्युनिट बिटवीन द पैलेस ऑफ रेजिडेंट एंड पैलेस ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत है उसमें आपको छूट चाहिए तो आप इसमें यस कीजिएगा, अन्यथा आप नो रहने दीजिए। इसके अलावा आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एक्सटेंशन फ्रॉम सैलरी इनकम, सैलरी इनकम में किसी प्रकार की कोई छूट चाहिए तो यस बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, अन्यथा इसको नो रहने दीजिए और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों मैं आपको यस करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एक्सटेंशन फ्रॉम सैलरी इनकम, सैलरी इनकम में अगर आप किसी भी तरह की छूट चाहते हैं तो आप यस करेंगे और इसके अलावा जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं उनमें से जो आपके लिए लागू हो वो आप सेलेक्ट कीजिए, अन्यथा इसको नो ही रहने दीजिए। जैसे डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी अर्न लिव एंगेजमेंट ऑन रिटायरमेंट, इस तरह की कम्युनिट वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव्ड, इसके ऊपर अगर आपको छूट लेनी है तो कीजिए, अन्यथा इसको नो ही रहने दीजिए। तो अब आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां आपको कुछ स्टेप है वो फॉलो करने होंगे, जिसमें तीन तरह के स्टेप के अंतर्गत अलग अलग ऑप्शन आएंगे। जैसे वैलिडेट रिटर्न के अंतर्गत आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे हम अपनी। इससे पहले वाले पेज पे आपको लेके चलते हैं जहां आपको ये सारी डिटेल कंफर्म करनी होगी पांचों स्टेप की अलग अलग, जहां आपको जैसे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट करनी है। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो यहां पे ग्रीन कलर का कंफर्म लिखा आ जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म करनी है, टोटल डिडक्शन कंफर्म करने हैं, टैक्स पेड है तो कितना पे आपने किया है, आपकी टैक्स में कितनी कटौती हुई है वो यहाँ पे शो कर देगा। इसके अलावा टोटल टैक्स लेबिलिटी आपको कितना भरना होगा वो भी यहाँ पे शो कर देगा। तो पहले सबसे फर्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं जहाँ हमें इनकम फ्रॉम सैलरी के रूप में अपनी इनकम दिख जाती है, हम न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स भर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो हमें 50,000 का मिला है, इसके अलावा कुछ भी डिडक्शन नहीं हुआ है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर है आपकी तो यहाँ से आप ऐड और एडिट कर सकते हैं, तो इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है आप डाल सकते हैं। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंतर्गत भी आपकी जो अदर सोर्स से इनकम है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, जो पिछला आपको रिफंड मिला था उसके ऊपर जो टैक्स लगा है वो, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट जो आपकी बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी से इनकम हुई है डिपॉजिट के ऊपर,
इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट और टोटल आपकी जितनी भी इनकम हुई है वो सारी यहाँ पे शो करेगी। आप चाहे तो इसको एक 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 को सेलेक्ट करके किसी भी को एक एक को या एक को सेलेक्ट कीजिए और उसको एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो ये एडिट नहीं करें, क्योंकि ये जो आपकी डिटेल आपके सामने आई है वो आपके पैन कार्ड के थ्रू आई है, और पैन कार्ड जहाँ जहाँ आपका लगा हुआ है आपके नाम से वो सारी डिटेल गवर्नमेंट के पास है, तो आप एडिट ना करें तो ही अच्छा है। इसके बाद नीचे की ओर चलते हैं। नीचे की ओर आपकी ग्रॉस जो टोटल इनकम आएगी वो यहाँ पे शो कर देगी। आपकी इनकम सही है, आप इसको कंफर्म कीजिए। इस तरह से दोस्तों जैसे जैसे आप कंफर्म करते रहेंगे तो आपके ग्रीन टिक आता रहेगा। मैंने आपको यहाँ पे टोटल ग्रॉस इनकम को कंफर्म करके दिखा दिया है। यहाँ पे देखिए टोटल डिडक्शन भी मैंने कंफर्म कर दिया है, डिडक्शन कितना हुआ है। इसके अलावा टोटल जो टैक्स पेड हमने किया है वो भी आपको दिखा दिया, ग्रीन टिक आ रहा है। टोटल टैक्स लिबिलिटी के रूप में हमें कितना पे करना है वो भी आ गया है, यानी हमारा जो टैक्स बना है वो 30,579 के रूप में बना है, लेकिन हमने 24,000 कटाया है, तो पीछे जो बचा 6,000 कुछ समथिंग है वो हमें अब कटवाना होगा, तो इसको भी हमें यहाँ से कंफर्म करना होगा। दूसरा जो ऑप्शन आता है, मतलब तीसरा, ये टोटल डिडक्शन। इस डिडक्शन के अंतर्गत अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके लिए है, जिसमें 80CCD2 के अंतर्गत आएगी, तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा इसको नो करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको न्यू टैक्स रिजाइम के अंतर्गत, न्यू टैक्स स्लैब के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलती है, सिवाय आपको कंट्रीब्यूट टू पेंशन स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट बाई एम्प्लॉयर, इसके अंतर्गत ही छूट मिल सकती है अगर आप पेंशन स्कीम लेते हैं तो, अन्यथा आपको 80TTA के अंतर्गत भी छूट नहीं मिलेगी, 80TTB के अंतर्गत भी छूट नहीं है, यानी किसी भी तरह की छूट नहीं है। तो आप इसको टोटल डिडक्शन जैसे इसमें जीरो आ रहा है, आपके कोई हो भी सकता है तो इसको कन्फर्म कीजिए। इसके अलावा जो नीचे टैक्स पेड है उसको कन्फर्म करने के लिए वेरीफाई योर टैक्स पेड डिटेल, तो टैक्स पेड डिटेल की जो डिटेल है वो हमें कंफर्म करनी है, टोटल टैक्स हमारा कितना कटा है वो आ जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई अगर छूट मिली है तो मिल जाएगी, अन्यथा ये टोटल टैक्स पेड जो हमारे द्वारा कटाया गया है, DDO द्वारा सैलरी से काटा गया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, इसको कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद जो अंतिम ऑप्शन आता है टोटल टैक्स लिबिलिटी, तो इसको भी हमें कंफर्म करना है। एक बार फिर से वेरीफाई योर टैक्स लिबिलिटी डिटेल के रूप में हमें सारी डिटेल दिखा देगा, टोटल ग्रॉस इनकम हमारी कितनी हुई है, डिडक्शन कितना हुआ है, और उसके बाद हमारा टैक्स पेबल कितना है, उसके बाद जो हेल्थ एंड एजुकेशन कॉस्ट के ऊपर जो 4% लगा है वो कितना है, टैक्स ये है, इसके अलावा जो सारी डिटेल है अंडर 89 के अंतर्गत जो रिलीफ मिली है कितनी मिली है वो सारा यहाँ पे आपको दिखा देगा। 10E के तहत आप क्लेम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और ये सारी डिटेल आपको मिलके नीचे की ओर टोटल इंटरेस्ट एंड फीस लिखा आ जाएगा जीरो, और टोटल टैक्स एंड फीस इंटरेस्ट आ जाएगा आपके 30,539। ये एक उदाहरण के रूप में मैं मेरा बता रहा हूँ, आपके कुछ अलग आ जाएगा। अगर आपके टैक्स नहीं बन रहा है तो जीरो लिखा आ जाएगा, और आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं तो रिफ़ंड के रूप में भी आप ऊपर लिखा आ जाएगा। अब आप इसको कंफर्म कीजिए। ये देखिए दोस्तों मेरे आ गया है कि मेरा यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 6,580, मैं ये पेमेंट करूंगा और आपके आ जाएगा योर रिफ़ंड, जो आपका जितना भी रिफ़ंड होगा जो आपने टैक्स कटवाया है, और अगर आपका टैक्स कम बन रहा है तो आपके रिफ़ंड आ जाएगा, यहां से लिखा हुआ आ जाएगा कंफर्म रिफ़ंड है, आप इसको है वो कंफर्म कर लीजिए। और अगर आपको पे करना है तो पे नाउ के ऊपर क्लिक करके पे नाउ भी कर सकते हैं। रिफंड के लिए जो आपकी प्रिंट और डाउनलोड का ऑप्शन है वो यहाँ पे शो हो जाता है। इसको सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना होगा और प्रोसेस बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, तो ये सारी डिटेल आपकी कंफर्म हो जाएगी, वैलिडेट सक्सेसफुली आ जाएगा। प्रोसेस टू वेरिफिकेशन के रूप में आप क्लिक कीजिए, ई वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है आपको, और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। आपके आधार से जो बटन जुड़ा हुआ है, जो मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं उसके ऊपर OTP आएगा, और आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपका रिटर्न है वो सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इस तरह से आप अपना ITR है वो खुद घर बैठे सिर्फ मात्र 15 मिनटों के अंतर्गत भर सकते हैं। अगले वीडियो में जानेंगे हम 26AS फॉर्म आप किस तरह से डाउनलोड करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है इसलिए हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आप अपना चालान भरना चाहते हैं, जो टैक्स कटा हुआ है चालान किस तरह से डाउनलोड करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, और
AIS जो है वो किस तरह से डाउनलोड करेंगे उसके बारे में भी बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही।